सूचना मिली है कि पठानकोट में हमारे कुछ साथी हमसे बिछड़ गए, पठानकोट में दुर्घटना का शिकार हुए। मैं ऐसी आत्माओं के प्रति ईश्वर से सदगति की प्रार्थना करता हूं कि भक्त ईश्वर ऐसी आत्माओं को सदगति दे और उन लोगों के, जिन लोगों को दिवंगत होना पड़ा, उनके परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि उन लोगों को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो लोग इस दुख को सहन कर सकें। साथ साथ जितने घायल हैं या किसी न किसी रूप में इंजर्ड हुए, उनके प्रति भी हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं सरकार इसमें लापरवाही बरती गई है कांग्रेस सरकार ने? देखिए, ये जांच का विषय है। कोई न कोई बात तो होती है, दुर्घटना होती है, लेकिन जांच में जो स्थिति होगी वो सामने आएगी और हमारा विश्वास है कि ऐसे मामलों में जो जांच होती है उसमें सजा जरूर मिलती है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। ये जांच का विषय है, इसलिए इस वक्त और कुछ कहने की स्थिति में नहीं। राम जी ने दहन किया है, किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई गई थी? आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरा बैरिकेड है और यहाँ पर काफी रिपोर्ट और हमारे पुलिस फोर्स कई दीवार की और लगाई गई है और चारों तरफ से घेर करके जो है कराया गया है। अभी सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा इसका धन संपन्न कराया गया है।